बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की है, ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी, हरियाणा दिवस की भी उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने 7 साल का लेखा जोखा इस दौरान पेश किया। सीएम ने 7 सालों में 105 कॉलेजों की संख्या 135 हुई, ये जानकारी प्रदेशवासियों को दी है। 7 साल के कार्यों का लेखा जोखा उन्होंने पेश किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पारदर्शी सरकार के तहत ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई, ग्रुप सी और डी का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये बड़ी बात इस समय सीएम मनोहर लाल ने कही है। आज 250 कैदियों की सजा भी सीएम मनोहर लाल ने माफ किया, तो ये बड़ी सौगातें आज दी गई है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। अब सभी सेवाएं पहचान पत्र के साथ मिलेंगी, ये भी बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को। हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं। आपको बता दें कि दिवाली की बधाई के साथ ही हरियाणा दिवस की बधाई भी हरियाणा वासियों को आज सीएम मनोहर लाल ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 7 साल का लेखा जोखा पेश किया। 7 सालों में 105 कॉलेजों की संख्या 135 हुई है, यानी कि 7 साल में 30 नए कॉलेज जो हैं बनाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी साझा करते हुए आज नजर आए सीएम मनोहर लाल। पारदर्शी सरकार के साथ उन्होंने ई गवर्नेंस की शुरुआत की, ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये परीक्षार्थियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी सौगात सीएम ने दी है। इसके अलावा 250 कैदियों की सजा आज माफ की गई और अब सभी सेवाएं पहचान पत्र के साथ मिलेंगी। जल जीवन मिशन की भी आज से सीएम मनोहर लाल ने शुरुआत की है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज JioTV, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।